हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब आप लोगों का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम है अकाउंटेंसी का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अकाउंटेंसी में भी आप लोगों की मदद करी जाए, अपनी नॉलेज को आपसे शेयर करा जाए। तो वन शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो एनपीओ में एक एक चीज का फॉर्मूला, कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सारा का सारा आपके पास रिवाइज हो जाएगा। चाहे वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड टॉपिक है, चाहे वो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड टॉपिक है, चाहे कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड टॉपिक है, डेप्रिसिएशन, जितनी भी एडजस्टमेंट इस चैप्टर के अंदर है उन्हें हमने एक ही वीडियो के अंदर कंबाइंड करने की पूरी कोशिश करी है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरीके की वीडियो चाहिए तो हमें कम्युनिटी टैब पर या फिर वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए, हम उस तरीके का मटेरियल भी आपके हेल्प के लिए जरूर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, ज्यादा लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी। तो हमारे पास इस चैप्टर में क्या होता है और हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि गिवन क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, जो कि कैश बुक की तरह होता है, इट्स लाइक अ कैश समरी। जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिंपल से लॉजिक पे काम करती हैं कि जहां से पैसा आया उसे डेबिट साइड पे लिख दो, जहां से पैसा गया उसे क्रेडिट साइड पे लिख दो, और डेबिट साइड का नाम है रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड का नाम है पेमेंट। इसके अलावा हमें गिवन होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बस यही वाला टॉपिक हमें कवर करने की जरूरत है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे डील करा जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट, जिसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा गया, राइट। तो उन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट क्लोजिंग और बैलेंस शीट ओपनिंग। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर हमें इस साल का स्टार्टिंग का कैपिटल फंड प्रोवाइड हो जाए तब हमें यह बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें गिवन होगा और ये हमें बनाना है। और हम यही मान के चल रहे हैं कि आप रिवीजन के लिए आए हैं और आपके पास कंसेप्ट्स को फटाफट से आपने गो थ्रू करना है और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हमें गिवन क्या होता है बच्चों, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे जहां जहां से भी उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा रिसीव होता है, चाहे वो एक क्लब है, चाहे वो एक आपके पास स्पोर्ट्स क्लब है या फिर किसी भी और तरीके का क्लब है, वो सारे के सारे जो रिसिप्ट्स के जरिए होंगे वो डेबिट साइड पर और सारी पेमेंट आपके पास क्रेडिट साइड पर। इसकी स्टार्टिंग होती है बैलेंस बीडी से, कैश और बैंक के बैलेंस बीडी से इसकी स्टार्टिंग होती है। फिर जहां जहां से भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल सकता है, जिसमें सबसे फेमस एडजस्टमेंट है आपके पास सब्सक्रिप्शन, देन डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ एसेट, सो मेनी इनकम्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट रिसिप्ट होंगी। पेमेंट में सैलरी, बुक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अलग अलग तरीके की पेमेंट्स हो सकती हैं। आपने कोई भी चीज खरीदी, कोई भी चीज पेमेंट करी, सब यहां पर आ गई। और फिर उसके बाद होता है बैलेंस शीट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक चीज आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो ये होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट को काउंट किया जाता है इरिस्पेक्टिव कि वो इस साल की रिसिप्ट है, नेक्स्ट ईयर की रिसिप्ट है या पिछले साल की रिसिप्ट है। लेकिन हमें जो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें एक्सपेंडिचर यानी जब आप रिसिप्ट साइड पर चीज डालेंगे, सॉरी रिसिप्ट से इनकम साइड पर चीज डालेंगे, तो वो करंट ईयर की ही इनकम होनी चाहिए, ठीक है, और उतनी होनी चाहिए जितनी आपको रिसीव होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि वो आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है। अब रिसिप्ट में यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहली बात तो रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट दोनों मिक्स है। रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जो आपके पास रेगुलर होती है, कैपिटल रिसिप्ट जो आपको वीक अबार होती है, वो सारी इसमें मिक्स है। हमें रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम में लेके जाना है और जो कैपिटल रिसिप्ट है उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लेके जाना है। तो रिसिप्ट को दो जगह ले जा सकते हैं, इनकम साइड या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। सेम एक्सपेंडिचर में भी दो चीजों के पेमेंट साइड पे दो तरीके के एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। ऑब्वियसली ये सब क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा क्योंकि ये करंट ईयर का। तो पहला काम रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट को आइडेंटिफाई करना, रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम, कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर। फिर जब आप ये पहचान लेंगे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, हमारा दूसरा काम ये होगा कि उसमें से करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन निकालना। उसी के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं, तो हम एक एक करके आपके साथ एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और फिर आप लोग इसका क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन। इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाने को आ जाता है तो उसका फॉर्मेट भी हम आपको बताएंगे, बट अगर कभी नहीं मेंशन हो सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करना हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सब्सक्रिप्शन, राइट। तो सबसे पहले अपना करंट ईयर लिख लो कि आपका करंट ईयर कौन सा है, पिछला साल कौन सा है और आने वाला साल कौन सा है। इस वाले आपके पास स्टेटमेंट के अंदर या कोई भी और स्टेटमेंट जो इस चैप्टर के अंदर आती है, उसका सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है
कि सिर्फ करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, बाकी प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन और असेसमेंट ईयर की इन्फॉर्मेशन हमको माइनस करनी है। यानी आगे आने वाले साल की इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले साल में लिखेंगे ना, और पिछले साल की इनकम को अगर हम अभी काउंट कर लेंगे, एक्सपेंडिचर को भी काउंट कर लेंगे, तो करंट ईयर की ट्रू इनकम नहीं कैलकुलेट होगी। तो बस इतना सा लॉजिक आपने याद रखना है कि करंट ईयर का ही आपको चाहिए इनकम, जितना रिसीव होना चाहिए, हुआ है नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, होना चाहिए। एक्सपेंडिचर भी करंट ईयर का जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो चलिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये अमाउंट कहां से मिलेगा आपको? रिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइट से। ये आपके पास रिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट साइट से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वो अमाउंट यहां लिख देंगे। उसके बाद प्लस माइनस सबसे पहले क्या लिख देंगे, प्लस माइनस ये देखिए कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, राइट, फिर आपके पास प्लस माइनस, देन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड प्रीपेड, यहां पर आता है एंड, बिगनिंग बिगनिंग एंड। एक बार दोबारा से देखिए फटाफट से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अगर आपको ये वाला फॉर्मेट याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर में। प्लस माइनस, देन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड प्रीपेड, एंड बिगनिंग बिगनिंग एंड, राइट। तो ये देखिए, ये जो आपने फॉर्मूला अभी सीखा, ये फॉर्मूला सिर्फ इनकम पर अप्लाई नहीं होता, अच्छी बात ये है, ये सभी तरीके के एडजस्टमेंट पर अप्लाई होता है। यानी किसी भी एडजस्टमेंट में आप देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने आउटस्टैंडिंग लिखा है, इनकम में आउटस्टैंडिंग की जगह एक्रूड शब्द होता है, और इनकम में प्रीपेड नहीं होता, एक्चुअली में रिसीव्ड इन एडवांस होता है, लेकिन हमने एक्सपेंस और इनकम का साथ में ही फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है ना। यानी एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग है एक्चुअली में उसका मीनिंग, लेकिन अगर इनकम है जैसे सब्सक्रिप्शन है या रेंट रिसीव्ड है या कोई और आपको दे दे इंटरेस्ट रिसीव से रिलेटेड ऐसी एडजस्टमेंट दे दे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्रीपेड एट द एंड, तो घबराना नहीं है। सिंपल सा बात याद रखनी है, इनकम है तो एक्रूड एट द एंड प्लस एक्रूड एट द बिगनिंग माइनस, रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग प्लस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड माइनस। अब ये माइनस वाले का लॉजिक समझिए, ये जो माइनस है ना आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बेसिकली पिछले साल का प्रीवियस ईयर का, और मैंने आपको कहा प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर का नहीं रखना, माइनस कर दिया। ये जो आपके पास रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड एट द एंड है, मतलब इस साल के एंड में कुछ एडवांस मिल रहा है तो ऑब्वियसली सर नेक्स्ट ईयर का मिल रहा है, तो इसीलिए इसको माइनस कर दिया। तो बहुत छोटा सा लॉजिक है कि आपके पास आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, अभी भाई साल शुरू हुआ आप कह रहे हो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग है तो पिछले साल का, माइनस कर दिया। जो आपका प्रीपेड एट द एंड है, साल के एंड में आप एडवांस पकड़ा रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर का, इसलिए भी आपने उसको माइनस कर दिया। और उसके बाद आपके पास आपका जो आंसर आता है वो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाती है। पोस्टिंग समझिए, आपने पहले ये फॉर्मूला लेना है, ढंग से चीजों को समझना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस, प्रीपेड एट द बिगिनिंग एड, प्रीपेड एट द एंड माइनस। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो इनकम साइड पे चला गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, राइट, जो कि क्रेडिट साइड है आपके पास, और ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये भी दूसरी जगह जाएंगे क्योंकि अभी एक जगह इस्तेमाल हुई है। तो अगर इनकम है तो ये एक्चुअली में एक्रूड है, एक्रूड क्या होता है, रिसीव करना बाकी है, तो ये दोनों आपकी एसेट, यानी दोनों बैलेंस शीट में जाएंगी, एसेट साइड में ये एंड की बैलेंस शीट में और ये बिगनिंग की बैलेंस शीट में। सेम रिसीव्ड इन एडवांस, आप पहले से एडवांस में रिसीव करके बैठे हो, आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में चली जाएंगी, बिगनिंग वाली बिगनिंग में और क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में। तो ये पांचों चीजें आपके पास यूज हो जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अंदर, राइट। अगर आप ढंग से एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली फिल होते जाएंगे, और उसके बाद कुछ नहीं बचता आपके पास क्वेश्चन के अंदर, बची हुई चीजों को सिर्फ आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में पोस्ट करना होता है। यानी किसी भी इनकम के बारे में, सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई भी इनकम आ जाए, तो इनकम रिसीव्ड कहां से लेना है आपने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लेना है, उसमें एक्रूड एट द एंड एड, एक्रूड एट द बिगनिंग माइनस, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग प्लस और एंड वाला माइनस, यहां से जो आएगा वो इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे पुट हो जाएगी, और ये जो चारों चीजें हैं ये बैलेंस शीट में पोस्ट होंगी, ये एसेट्स हैं और ये आपकी लाइबिलिटी है, एंड वाला एंड की बैलेंस शीट में, बिगनिंग वाला बिगनिंग की बैलेंस शीट में, सेम लाइबिलिटीज में बिगनिंग और ये एंड। अब सेम एक्सपेंस के लिए मजे की बात यह है, तो अगर कोई खर्चा आ जाए तो उसका पेमेंट उठाओ सेम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, और नीचे एडजस्टमेंट्स में आपको बता रखा होगा कि इस साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, तो जो भी होगा उसको ध्यान से समझना है कि जो एंड बिगनिंग हम कर रहे हैं, एंड बिगनिंग कर रहे हैं वो करंट ईयर के हिसाब से, कोई भी चीज जो पिछले साल की है वो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग या प्रीपेड एट द बिगनिंग है, और जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रही है वो प्रीपेड एट द एंड है, और अगर कुछ है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो वो इसी साल का है। दोबारा से सुनिए, अगर मैंने आपको बोला आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग तो वो पिछले साल का है, ठीक है ना, अगर मैंने बोला प्रीपेड एट द बिगनिंग तो वो इसी साल का है, किसी साल के स्टार्टिंग में दिया गया।
अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो भी इसी साल का है, तो ये इसी साल का है और प्रीपेड एट द बिगिनिंग इसी साल का है। सिर्फ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यानी इस साल के शुरू में कुछ है तो वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का, और अगर आपने एंड में कुछ एक्स्ट्रा चुका दिया तो वो नेक्स्ट ईयर का, बस इतना आपने हटाना है। तो एक्सपेंस के लिए भी सेम फॉर्मूला, रेंट पेड एक्सपेंस आपने उठाना है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के एक्सपेंड पेमेंट साइड से आपको मिल जाएगा। फिर उसमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला, प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, प्रीपेड एट द एंड, प्रीपेड एट द बिगिनिंग। अब जो भी आपके पास आंसर आएगा वो एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये आपने फाइनल निकालना है, ये होता है करंट ईयर का वो एक्सपेंस कितना पे करना चाहिए, और ये है करंट ईयर की उतनी इनकम जितनी आपको रिसीव होनी चाहिए। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम और एक्सपेंस उतना ही दिखाते हैं जितना आपको रिसीव होना चाहिए या पे करना चाहिए। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहां पर एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी है और प्रीपेड का मतलब आपका एसेट है, तो ये दोनों चले जाएंगे लाइबिलिटी साइड पर, एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बिगनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो आपके पास प्रीपेड है वो आपके एसेट बन जाएगा। ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स तो सब्सक्रिप्शन यानी इनकम पर और एक्सपेंस पर इसी तरीके से सॉल्व होती है। नाउ दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है कंज्यूमेबल आइटम्स को लेकर फाइंड आउट करना कि कितना कंज्यूम हुआ है। जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया, या मेडिसिन कितना कंज्यूम हो गया, या स्टेशनरी कितना कंज्यूम हो गया। अगर ध्यान से सुनिए, किसी भी एसेट का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग देके छोड़ दी और वो कम हो रहा हो तो इसका मतलब वो डिप्रिसिएशन कह रहा है। अगर वो कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल डेप्रिशिएट हुआ है तो आपने उसको एक फिक्स एसेट की तरह ट्रीट करना है। लेकिन अगर आपको ओपनिंग एसेट क्लोजिंग आपको दे रखा है, उनके क्रेडिटर का बैलेंस भी दे रखा है, तब ऐसे केस में हम लोगों को उनका कंज्यूम्ड निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे कंज्यूम, चाहे वो स्पोर्ट्स मटेरियल है चाहे वो मेडिसिन है, आपने उसका अकाउंट लेना है और उसके क्रेडिटर्स का अकाउंट लेना है। दोनों अकाउंट आपने ले लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, दोनों को ध्यान से देखिएगा। यहां सबसे पहले लिख दो बैलेंस बीडी स्पोर्ट्स मटेरियल का, यहां लिख दो बैलेंस सीडी स्पोर्ट्स मटेरियल का, यहां पर बैलेंस बीडी क्रेडिटर्स का, यहां बैलेंस सीडी क्रेडिटर्स का, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इस अकाउंट को पूरा पोस्ट करते हैं। जितना भी आपने पेमेंट में रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में अगर नजर मारी हो और पेमेंट साइड पे लिखा हो पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो वो आपने क्रेडिटर्स को ही करी होगी, ऐसा ही मान के चलेंगे। तो यहां पर टू कैश जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से अमाउंट आया, यहां पे बीडी सीडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये है जितनी आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है। जरूरी नहीं है वहां क्रेडिटर लिखा हो, सिर्फ लिखा होगा पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो हम ऑब्वियस मान के चलते हैं कि वो क्रेडिटर्स ही हैं। तो टू कैश रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आपने पेमेंट कर दी। अगर कोई भी एडवांस दे रखा है कि आपने क्रेडिटर को कोई एडवांस दे रखा है बिगनिंग का या एंड का, तो अगर बिगनिंग का है तो डेबिट साइड पर क्योंकि आपने पहले से पे कर रखा है, और अगर एंड का है तो आपके पास क्रेडिट साइड पर। यहां लिख दीजिएगा, यहां पर मिसिंग वैल्यू निकल कर आती है अगर ये चारों चीजें आप पांचों चीजें पोस्ट कर देते हैं। दैट इज स्पोर्ट्स मटीरियल, ये होता है कितना इस साल हमने और खरीदा, कितना हमने इस साल और खरीदा। तो क्रेडिटर का बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी, ठीक है, जितनी उनको हमने पेमेंट करी रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से लेंगे। अगर एडवांस है बिगिनिंग का तो वो यहां पर, एंड का है तो वो यहां पर, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास मिसिंग फिगर निकल कर आ जाती है स्पोर्ट्स मटेरियल जो क्रेडिट पे खरीदा गया। अभी जो क्रेडिट पे खरीदा गया है इसको हम क्रॉस ले जाते हैं यहां पर, ये देखिए। तो यहां बीडी लिखा था सीडी, अब जो ये क्रॉस चला गया यहां पर, अकाउंट से अकाउंट में हमेशा क्रॉस ट्रांसफर। तो यहां आ गए, जिस अकाउंट से आ रहे हैं उसी का नाम लिखो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल पर, यह है क्या क्रेडिट परचेजेस। अब अगर आपको क्वेश्चन में कैश परचेजेस गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन तो छोड़ दो, ठीक है ना। तो बीडी था आपने और स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। अगर आपने कोई सेल करा तो वो इस साइड लिख दो। अब बैलेंस सीडी इतना है तो आपके पास यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाती है कितना रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम, सॉरी जो स्पोर्ट्स मटेरियल है या स्टेशनरी है वो कंज्यूम्ड होगी। वेरी ऑब्वियस, अगर आपका बिगनिंग में इतना था आपने खरीदा इतना, फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 रुपए का बिगनिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल था, आपने 500,000 रुपए का और क्रेडिट परचेज करा, 550,000 रुपए हो गए, कह रहे 100,000 का आपने सेल कर दिया तो कितने होना चाहिए था 450,000, लेकिन यहां तो सिर्फ 100,000 रुपीज का पड़ा हुआ है, तो बाकी का आपने क्या कर लिया कंज्यूम कर लिया। तो ये आपको फॉर्मेट तैयार करना है, इससे पहले मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, अब कंज्यूमेबल आइटम्स, यही फॉर्मेट है, ज्यादा से ज्यादा आप यही समझ लिए। अब कई बच्चों को अकाउंट नहीं सही लगता तो उनके लिए हम स्टेटमेंट भी बना रहे हैं, लेकिन अकाउंट्स बहुत इजी होते हैं। यहां पर आपने इसका बीडी लिखा या सीडी लिखा, इनको पेमेंट करते हो तो क्रेडिटर कम होते हैं, यहां आ गए, ठीक है। कोई एडवांस है तो बिगनिंग का यहां, एंड का यहां, यहां से सीधा निकल कर आ जाता है क्रेडिट परचेजेस, वो यहां आ जाता है। इतना स्पोर्ट्स मटेरियल था, इतना आपने क्रेडिट परचेज करा, इतना कैश परचेज करा, तो हमारे पास होना इतना चाहिए। उसमें से सेल माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, आपको पता चल जाएगा आपने कितना कंज्यूम कर लिया। और ये अमाउंट कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। और जो ये दोनों के बीडी सीडी हैं ये ऑब्वियसली बैलेंस शीट में जाएंगे। जो बीडी है वो एसेट साइड पर, सीडी एसेट साइड पर, ये बिगिनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स ऑब्वियसली लायबिलिटी होते हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटी में, ये क्लोजिंग
लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। एडवांस जो है वो एसेट साइड पर आपके पास चला जाएगा। अगर एडवांस एट द बिगनिंग है तो बिगनिंग की बैलेंस शीट में, एडवांस एट द एंड है तो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में। अब इसी चीज को आप स्टेटमेंट वाइज भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, इट्स टोटली योर चॉइस। तो अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल सबसे पहले स्टार्ट करो। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से मिलेगा, ये जो हमने लिखा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, यहां अमाउंट लो। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करो, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करो। अगर कोई कैश परचेजेस हैं तो प्लस करो, अगर आप यहां तक पहुंचते हो तो टोटल परचेजेस आ जाती हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस करो स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, अगर कोई सेल है तो माइनस करो। आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल आएगा कंज्यूम। इट्स टोटली योर विश, आप अकाउंट से जाना चाहते हैं अकाउंट से करिए, आप जैसे जाना चाहते हैं वैसे जाइए। तो ये भी आप फॉर्मेट जो है अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करेंगे, कैश परचेजेस प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे और ये सेल आपके पास माइनस करेंगे। अगर आपको ये नोट चाहिए तो हम अपने इंस्टाग्राम पर इनका फोटो जो है अपलोड करेंगे, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से, हमारे पास दो टॉपिक हो गए, सब्सक्रिप्शन और स्पोर्ट्स मटेरियल। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंड बेस्ड कॉस्टिंग, इसको भी रिवाइज करते हैं फटाफट से। कैपिटल फंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बैलेंस शीट में आपके पास आता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी। नहीं दे रखा तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, वहां से मिसिंग फिगर निकल कर आता है ये। अब अगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस हुआ है तो यहां ऐड कर दीजिए, अगर डेफिसिट हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो माइनस कर दीजिए। इसके अलावा कुछ कैपिटलाइज्ड चीजें हैं जो कैपिटल फंड में ही जोड़ी जाती हैं, जैसे लीगेसी हो गई, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, इनको आप इसी में ऐड करेंगे। लीगेसी अगर कैपिटल नेचर का बता रखा है तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एट द एंड, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। तो ये तो बेसिक फंड हो गया आपके पास। इसके अलावा अगर कोई भी आपको स्पेशल फंड दे रखा है, कोई स्पेसिफिक डोनेशन दे रखी है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उस स्पेसिफिक फंड को लो, उसमें अगर कोई उस फंड से रिलेटेड डोनेशन मिली है तो ऐड करो, उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम हुई है तो वो ऐड करो, और उस फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ है माइनस करो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जहां से पैसा आया जोड़ो, पैसा गया माइनस करो, आपके पास आंसर आ जाएगा उस स्पेसिफिक फंड का। अगर ये पॉजिटिव आए तो आपने लाइबिलिटी साइड पे शो करना है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो फंड से ज्यादा हो गई, तब आपने इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पे शो करना है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप लास्ट में रिवाइज करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो स्पेसिफिक फंड में डोनेशन ऐड, इनकम ऐड, खर्चे माइनस, अगर ये पॉजिटिव आए तो यस, ये फंड के ही पैसे बचे, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव आया इसका मतलब कि आपके पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर का अमाउंट बचा है, तो आप इसे नेगेटिव जैसे ही आए तो आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पे डाल दीजिएगा। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड। एक और है आपके पास फंड से रिलेटेड कंसेप्ट, जिसमें ऐसा है कि आपने एक एसेट क्रिएट करी और उस स्पेसिफिक फंड के जो पैसे हैं उसे कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बिल्डिंग फंड आपके पास 10 लाख रुपए का था बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑब्वियसली जैसा कि फंड के नाम से क्लियर है कि बिल्डिंग बनाने के लिए आपने 10 लाख रुपए का एक फंड क्रिएट कर रखा है। इट इज कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग नाउ, फर्म ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी एंड 6 लाख रुपए, अभी तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है और 6 लाख रुपए खर्च कर दिए। 10 लाख रुपए बिल्डिंग फंड के हैं बट 6 लाख रुपए आप उस बिल्डिंग फंड पे खर्च कर चुके हैं, बिल्डिंग पे खर्च कर चुके हैं। तो देखिए कैसे ट्रीटमेंट करना है, ध्यान से इसको रिवाइज करिएगा। सबसे पहले उस बिल्डिंग फंड में से 6 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास 6 लाख रुपए की एसेट, सबसे पहले देखिए एसेट बन गई है, वर्क इन प्रोग्रेस हमने लिख दिया, 6 लाख रुपए की एसेट क्रिएट कर दी, और उस पैसे को उस फंड में से माइनस करके कहां ट्रांसफर कर देना है आपने, कैपिटल फंड में। बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, यहां से माइनस करा यहां प्लस कर दिया, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड बराबर हो गई। अगर आप सिर्फ यहां से माइनस कर देते हैं और यहां क्रिएट कर देते हैं तो आपको पता है हर ट्रांजैक्शन लाइबिलिटी और एसेट को बराबर करती है, तो वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो हमने 6 लाख रुपए इस बिल्डिंग फंड में से हटाए और वो हमारी क्रिएशन किसके बराबर हो गई, हमारे बिजनेस की ओनरशिप के बराबर हो गई, तो 6 लाख रुपए हमने कैपिटल फंड में जोड़ दिए। तो बिल्डिंग क्रिएट कर दो, 6 लाख रुपए बिल्डिंग फंड में से माइनस कर दो और कैपिटल फंड में जोड़ दो, यह स्पेसिफिक फंड। तो हमारे पास तीनों मेन चीजें हमने डिस्कस करी, सब्सक्रिप्शन, कोई भी एक्सपेंस होगा अगर आपके पास कंज्यूमेबल आइटम निकालनी है दोनों तरीके से, फिर आपके पास स्पेसिफिक फंड में भी यही ज्यादा से ज्यादा आता है जितना हमने डिस्कस करा। इसके अलावा कभी कभी कुछ बच्चे सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी मांगते हैं, तो हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट भी बताया है, उसे भी ध्यान से समझिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग की यहां आती है बीडी, और सीधी यहां आएगा। बस एक चीज याद रख लो, सारा याद हो जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग का बिगिनिंग यहां आता है तो क्लोजिंग यहां आएगा, तो प्रीपेड का बिगिनिंग ऑब्वियसली यहां आएगा, प्रीपेड का बिगिनिंग यहां और प्रीपेड का एंड यहां। समझ गए बात को, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यहां पर। सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, एक्रूड, याद रखिएगा, और प्रीपेड का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यहां, आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहां, बैलेंस सीधी यहां पर आएगा आपके पास उसका, ये देखिए, ठीक है। प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑब्वियसली यहां हो गया और प्रीपेड एट द एंड यहां हो गया, है ना। और आपके पास बाकी की दो चीजें
आपको रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट से लेना है कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो यहां पर आएगी। अब आपके पास ऑटोमेटिकली ये बैलेंसिंग फिगर निकल कर आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव होनी चाहिए, यानी ये चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके पास आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्रीपेड एट द बिगिनिंग, प्रीपेड एट द एंड, रिसीव्ड जो कि मेरे रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट से, यहां से निकल आएगा कितना हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसमें कौन सी एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, तो सातों एडजस्टमेंट्स हम आपको बताते हैं। सब्सक्रिप्शन जो हमने डिस्कस करी, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, खर्चों से रिलेटेड प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग आ सकते हैं। तो प्रीपेड का सेम लॉजिक है, प्रीपेड एट द बिगिनिंग प्लस प्रीपेड एट द एंड माइनस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस, क्लियर। कंज्यूमेबल आइटम वाला भी हमने कर लिया, राइट। इसके अलावा फंड बेस्ड भी कर लिया। इसके अलावा कौन से एडजस्टमेंट आ सकते हैं, इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आती हैं, तो उनको ध्यान से समझना है आपने। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में मुझे दे रखा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज, और एडजस्टमेंट में दे रखा था कि 8% इंटरेस्ट 5 मंथ का मिला है आपको। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है आपके पास कि ये जो इंटरेस्ट मिला है इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट भी रही होगी, तो इन्वेस्टमेंट भी आपको लेनी है, और वो इसी साल खरीदी गई है क्योंकि 5 महीने ही अभी आपको इंटरेस्ट मिला है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। 5 महीने तो आपने जो ये इंटरेस्ट लगाया होगा ये कैसे लगाया होगा, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 की है, तो आपने ₹1,00,000 पर 5 महीने का 8% से इंटरेस्ट लगाया होगा, और जो ये इंटरेस्ट है वो अमाउंट कितना है 1000। अब एक्स को यही छोड़ा, ये सब रेसिप्रोकल हो गया, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई 30,000 रुपीज की। तो ये जो इंटरेस्ट है ये तो इनकम साइड पे चला जाएगा, और जो ये इन्वेस्टमेंट है ये आपकी एसेट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात। अब अगर ये 5 महीने नहीं होता फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और यहां पर आपके पास ₹8,000 इंटरेस्ट मिला होता, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ₹8,000 मान लीजिए इंटरेस्ट मिला होता, और ये 8% इंटरेस्ट सिर्फ ऐसे लिखा होता कि 8% इंटरेस्ट आपको मिला है, या फिर इसी के आगे 8% लिखा होता, यहां कुछ नहीं लिखा होता, 8,000 और यहां 8% इंटरेस्ट लिखा होता, तो इसका मतलब आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है। अब आप फिर से इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो आप लिखोगे ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है, 8% इंटरेस्ट मिला है, ₹8,000 इंटरेस्ट मिला है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी ₹1,00,000 की, राइट। ये जो ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब कि पिछले साल से चल रही है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, और ये जो ₹8,000 की इनकम होती ये सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती। दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन में अलग बात थी, इसमें सिर्फ 5 महीने का इंटरेस्ट मिला है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि इसी साल खरीदी गई है, और इन्वेस्टमेंट दिखा नहीं रखी आपको क्वेश्चन में, मिसिंग दे रखी है, तो आप निकाल लीजिए। हमने ऐसे लिया एक्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 5 महीना 8%, दैट इज इक्वल टू 1000, ये 5/12 भी उल्टा हो गया, 8/, आपके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ गया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। अब अगर ये 5 महीने नहीं लिखा होता और सिर्फ लिखा होता 8% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और कहीं इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं होता, बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट कैसे मिल सकता, यानी इन्वेस्टमेंट तो है, इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स। तो आप ये मानते कि वो इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 की है, उसका 8% इंटरेस्ट 8,000 है, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास निकलकर आ जाती 1,00,000 रुपीज। ये जो 1,00,000 रुपीज है ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आते और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आते। तो ये हो गई इंटरेस्ट रिलेटेड। इसके अलावा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आती है हमारी, तो डेप्रिसिएशन का बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, जिस भी एसेट पर आपको दे रखी होगी वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाएगा, और उस एसेट में से माइनस होकर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप शो कर देंगे, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक एडजस्टमेंट आती है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसमें क्या होगा कि आपको देगा कि बुक वैल्यू ₹5,000 है, और आपने उसको रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में दिखा होगा सेल इतने में कर दी, मान लीजिए 3,000 में, तो बुक वैल्यू 5,000 है, आपने 3,000 में बेच दी, तो ₹2,000 का क्या हो गया आपका लॉस हो गया। अब जो ये लॉस है ये एक्सपेंडिचर साइड पे शो कर दीजिए, और बैलेंस शीट में से उस एसेट में से ₹5,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यही एसेट अगर मान लीजिए आपके पास 8,000 में बिक जाती, तो 5,000 बुक वैल्यू 8,000 में बिक गई, 3,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 3,000 का अगर आपके पास प्रॉफिट हो जाता तो आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे लिख देते, और बैलेंस शीट में से वही ₹5,000 चले जाते। तो ये मेन एडजस्टमेंट है जो इस चैप्टर में आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप ये 7 एडजस्टमेंट्स अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हैं, आप देखिएगा इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 7 एडजस्टमेंट आपके पास क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप नोट्स भी बनाएं तो इन 7 एडजस्टमेंट्स को लेकर बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको दिए सारे नोट्स, अब आप क्या करें, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ साथ आप देते जाइए प्रॉफिट लॉस पर, ये वाली एडजस्टमेंट थोड़ी सी बढ़िया थी उसके नोट्स बना लीजिए। तो आपके पास ये 7 एडजस्टमेंट का अगर कंक्लूजन आपके पास होगा तो एनपीओ का क्वेश्चन आप 100% कर सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग दीपा क्लासेस।